हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शलवार कटिंग करना सिखाऊंगी, बेल्ट वाली शलवार सिखाऊंगी और शलवार से नाप पर सिखाऊंगी, इंची टेप से नहीं। कि शलवार अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इंची टेप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी शलवार से जो हमारा नाप बिल्कुल सही हो उससे किस तरह कटिंग हो सकती है, तो मैं आपको बताऊँगी। ये कपड़ा तकरीबन हमारा 2 मीटर का इसका ब्रेथ है और इसकी लेंथ 1.5 मीटर तकरीबन इसकी लंबाई है। तो हम सबसे पहले पर इसकी लेंथ निकालेंगे, कटिंग करेंगे। ये हमारी शलवार है बेल्ट वाली, इलास्टिक डलेगी जिस तरह हम सिखाएंगे आपको पूरी तरह। और इसकी लेंथ तकरीबन है सिली सिलाई हम इसकी लेंथ है 39 और 39 इसकी लेंथ है। और आप देखिएगा कि हम किस तरह कटिंग करते हैं। ये कपड़ा जो है हम लेंथ लंबाई जो है लंबाई से हम सबसे पहले ये पाइचे मोड़ेंगे। हम तकरीबन 1.5 इंचीज पाइचे हम चौड़े बनाएंगे, ये इतना मोड़ेंगे और ये यहाँ से नाप पर इतना हमें पाइचे को कपड़ा निकालना है। कितने पाइचे हम बने रखेंगे ये चुप लगाएंगे। हमने पाइचे जितने बड़े रखने हैं थोड़े बड़े रखने हैं, तभी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और इस हिसाब से हम जाएंगे कि डबल करकर हमारे 8 इंचीज पाइचे रख रहे हैं। हम डबल करकर ट्रिपल करकर मतलब दो पाइचे हम निकालेंगे कि यहाँ तक हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। इसके अर्ज में से पहले हम पाइचे निकालेंगे, यहाँ तक हमने इस तरह रखना है। ये हमारे दोनों तरफ के पाइचे इसमें निकलेंगे और ये कपड़ा हम अलग कर देंगे। ये तकरीबन निकाल देने हैं हमें, क्योंकि कभी हमारी बड़ी बनेगी, इसलिए अगर मुश्किल आपको मुश्किल लगे तो मैं दोबारा आप लोगों को सही तरीके से भी सिखा दूंगी। अभी इजीली कोशिश है मेरी कि आप लोगों को इजीली सिखाऊं, जो सबसे आसान तरीका हो, लेकिन कोशिश करूंगी मैं इससे भी आसान तरीका में निकालने की। ये हमारे दोनों पाइचे हो गए, ये देखें हमने रिबर हमने इससे तकरीबन इतना बड़ा पाइचे मोड़ेंगे और ये सिलाई में रखेंगे। ये हमने इसे निकाल दिए। अब हम कलियाँ जो है हमारी वो निकलेंगी यहाँ से, जो लंबाई में से साइड में से कपड़ा निकलेगा निकला है ये वाला लेंथ जो है हमारी, ये हम कलियाँ बनाएंगे। इसमें से ये पाइचे निकालेंगे, इधर से कलियाँ निकालेंगे और ये पाइचों की लेंथ रखकर यहाँ से पकड़ेंगे आप। ये यहाँ तक ये कली का कपड़ा है और ये हमने यहाँ से कितनी बड़ी हमारी रुमाली है, बेल्ट कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रुमाली ही नाप कर 1 इंची हमारे नीचे से सिलाई आएगी और बिल्कुल मामले से 1 पाँव हमारा इतना, तो इतनी हमारी रुमाली होगी। अब हम कटिंग करेंगे इसको, इस तरह रखेंगे और ये जहाँ तक ये निशान है यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पाइचे हैं सलवार के। ये देखें ये कलियों का कपड़ा है, हमने यहाँ से लाना है इस जगह से।
यहाँ से ये पकड़ना है, इस जगह से ये हरी पत्ती घुमानी है, और यहाँ पे इस तरह देना है, इस जगह पर ऐसे मिलाना है, और यहाँ पर एक आप टुक लगा लें बिल्कुल मामूली सा, ये इस तरह पकड़ना है, और ये हाथ से इस तरह जमा लेना है। विवर ये याद रखिएगा कि जब आप शुरू में स्टार्ट करें कटिंग करना, तो पहले अखबार पर या किसी ऐसे रफ कपड़े पर कटिंग कीजिए, दो तीन कलिए, दो तीन शलवारें, कि आपकी आपका कपड़ा खराब ना हो। ये हमारी कलिंग कटिंग हो गई, और इसको दो पीस कर लें, यहाँ से बिल्कुल सीधा रखें और इस तरह कटिंग करें, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें कि आप कर सकते हैं सब कुछ। बहुत आसान तरीका है, लेकिन कैंची पकड़नी आनी चाहिए आपको। ये कैंची कैसे पकड़ते हैं, इसके भी दो पीस कर लें। ये हमारे पाइपे हैं, ये हमारी कली है, ये देखें, ये हमारी शलवार तैयार हो गई है, फिटिंग हो गई, और ये बीच का निशान भी हमेशा कुंदों में लगा लें, ताकि ये बेल्ट डलता है जब बड़ी प्लेट यहाँ से चल सकती है। अब हम बेल्ट हमारी तकरीबन ये होगी, ये हम कपड़े को फाड़ भी सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कपड़ा कोई कपड़ा है जो सीधा रुख बिल्कुल सही फटता है, कोई दूसरी दूसरे रुख में भी फट सकता है, लेकिन चुना आ जाती है खराब हो जाता है, कान में निकल जाती है, हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हम इस तरह रखकर, ये इतना रखना है हमें, यहाँ से इतना मुड़ जाएगा, और ये हमारा बेल्ट है, और ये हमारी कटिंग जो है वो इस तरह होगी हमारी। ये हमने कपड़े को रखा दोनों तरफ, ये हमारा एक साथ आपने इसको प्रेस किया, कपड़ा जब आप कटिंग करें तो प्रेस कर लें तो बेहतर है। ये हमारा बेल्ट है शलवार का। अब हमें ये इसकी बेल्ट हमें हमने ली है, तकरीबन मैंने आपको बताया है, लेंथ बता दी है मैंने, और इसकी जो यहाँ से हमारी जो इसकी लेंथ होगी वो 10 इंचेस तकरीबन है रखी है हमने, और इसका जो हम इसकी चौड़ाई जो है ब्रेथ जो है वो हम रखेंगे तकरीबन डबल कपड़े के अंदर हम रखेंगे 24 इंचेस। ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये लग जाएगा, और भी बढ़ ये कपड़ा हमारा लग भी गया है। बहुत आसानी के साथ हमारी शलवार बनी है, कटिंग हुई है, कम कपड़ा भी था, और आप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो भी पूछना हो, आसानी से बहुत सारे तरीके हैं शलवार बनाने के, और वो मैं सब आपको एक एक करके सिखाऊंगी इंशाल्लाह।